पेपर टू 1 आवर 45 मिनट्स का पेपर है, सही है, और सेक्शन ए 1 घंटे से कम टाइम में हो जाता है, सही है। इसमें भी बात वही है कि आपने क्वेश्चन को ज़रा गौर से अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों का पेपर फोर कैसा हुआ सबका, ज़रा बताएं। तो बड़ा अच्छा हुआ सर सर, इतना खास अच्छा नहीं हुआ। हुआ सर, अलहमदुलिल्लाह सर, शान था। था 20 से ऊपर, 20 से नीचे तो किसी के नहीं आएंगे सर सर, वो मेरे एग्जामिनर आगे पे जो है। डिपेंड अगर करता है। 20 से ऊपर आएंगे तो अच्छा पेपर है, वो है ठीक सर वो ग्रेडियंट वाला मुझे पता ही नहीं, मैंने सही निकाला है गलत। सर, मुझे लगा 20 से ऊपर आएंगे आप ट्रीट देंगे। वही तो कह रहा हूँ, 20 से ऊपर आएगा तो ठीक है, 20 से नीचे जाएगा तो कम खत्म, अच्छा पेपर नहीं अरे आएगा। ये तो 46 पे बन रहा है, नहीं कितने 40 के तो ऊपर ही बनता है ना ये तो। 40s पे पेपर ही 30 मार्क्स का था पेपर फोर, ओ सॉरी, हाँ वो ओवरऑल की केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ का सर। ओवरऑल 40 कहाँ से आने हैं था, केमिस्ट्री की, उससे कंफ्यूज कर गया। सही है। अच्छा जी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द मास एंड वॉल्यूम ऑफ टू इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स, वन मेड ऑफ आयरन एंड द अदर ऑफ कॉपर। द स्टूडेंट यूजेस द इक्विपमेंट शोन इन फिगर 1.1। टेबल 1.1 शोज द रिजल्ट्स ऑब्टेंड। आयरन का मास वॉल्यूम गिवन है, कॉपर का मास और वॉल्यूम गिवन है। डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट विद अ मेजरिंग सिलेंडर। सर सर पहले मैं मेजर शायद करेंगे उसका वॉल्यूम, पहले मेजर करेंगे, फिर उसको V1 ले लेंगे, फिर उसके बाद इरेगुलर ऑब्जेक्ट डालेंगे लिक्विड में और उसका वॉल्यूम V2 में ले लेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे सर। वेरी गुड, पहले आप पानी जो है मेजरिंग सिलेंडर में जितना भी रखें उसका वॉल्यूम V1 के तौर पे नोट कर लें, देन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट आपने सिलेंडर में डालना है और जो नया वॉल्यूम आएगा वो पुराने वाले वॉल्यूम उसमें से माइनस करना है आपने। द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम्स आपके पास इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सही कौन सा पेपर है? लिखा हुआ देखें, ऊपर जून 2019 पेपर टू वेरिएंट टू। सर एक मिनट में लेके आती। ठीक है आगे चलें। यस सर। पार्ट बी में उसने बोला है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन। डेंसिटी का फॉर्मूला बताएं। मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास अपॉन वॉल्यूम आयरन का मास कितना है, आयरन का वॉल्यूम कितना है? सर 400/51। सही है, 400/51 तो 7.84, और इसका यूनिट अब लिखेंगे ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास ग्राम में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। कर लें तो बताएं। डन। यस सर। ओके पार्ट सी। अ थर्ड ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो मेड ऑफ कॉपर हैज द सेम वॉल्यूम एज द आयरन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस कॉपर ऑब्जेक्ट। सॉल्व करके आंसर बताएंगे डायरेक्टली, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? डेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? तीसरा ऑब्जेक्ट है कॉपर का ही, सेम होगी हाँ कॉपर का ही बना हुआ है, लेकिन उसका सेम। वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम आयरन के वॉल्यूम के जितना है। मास निकालें इसका। आंसर आए तो बताएं।
थर्ड ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ कॉपर, मतलब सेम मटेरियल है, इसका क्या फॉर्मूला लगेगा सर? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, कॉपर की डेंसिटी निकालें अब्दुल अहद। सर इसका आर 349.83। ये मास है? मास सर। अच्छा देखते हैं बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है। सर अब बताएं सर पेपर कौन सा था सर? लिखा हुआ है ऊपर देखें जून 1922। अब्दुल अहद डेंसिटी निकाली कॉपर की आपने? यस सर निकाल ली सर। सर कॉपर की आप फॉर्मूला डेंसिटी जो वैल्यू गिवन है वो यूज करेंगे डेंसिटी के लिए? हाँ तो मतलब इसके अलावा क्या खुद से सोचेंगे नई वैल्यू? डेंसिटी 349.83 आ रहे हैं। ये आंसर आ गया सही। अच्छा सुने अब डेंसिटी अब्दुल अहद को निकाल लिया आपने कॉपर की? यस सर निकाल ली। लेकिन डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी की जगह ये आंसर लिखेंगे मास अननोन है वॉल्यूम आयरन वाला यूज होगा। सही है आंसर आ रहा है, ये डेंसिटी आई है कॉपर की। सही है सेम डेंसिटी है तो कॉपर की डेंसिटी हमने निकाल कर अब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हम आयरन का यूज करेंगे। सर ये आपकी बुक में है सर, यहाँ पर तो खाली अक्टूबर नवंबर है। मुझे फैजान ने तो यही बताया है। ऐसे बुक में तो है, मैं बुक से ही कर रहा हूँ। ये कौन सी है, मिड ईयर मैराथन है? मिड ईयर मैराथन है। 458 ग्राम आंसर आ रहा है, आप लोगों का भी यही है? यस सर। फैजान आपका आंसर कुछ और आया था शायद, देखें। सर मैंने गलती से वॉल्यूम गलत नहीं थी सर, वॉल्यूम की पहली गलत थी। आयरन का ले लिया था, आयरन का ही तो वॉल्यूम लेना है सर, कॉपर का लेना है? नहीं भाई क्या हो गया, आयरन का लेना। 51 आयरन का वॉल्यूम है। सही है ठीक है सर। Next is state and explain what happens to the density of the iron object when it is heated. Density decrease कर जाएगी ना density? क्यों decrease? Particles move far away. क्योंकि जैसे particles move far away तो less particles per unit volume, density कम हो जाएगी. Very good. तो density decrease हो जाएगी जब heat होगा. रीजन भी बताएंगे साथ में। सही है फैजान। सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गई है, इस वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। सेम मास मोर वॉल्यूम लेस डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर टू, फिगर 2.1 कर लिया ना सबने क्वेश्चन वन? Force per unit area shows a container of gas connected to manometer. The tube in the manometer has constant cross sectional area. The gas in the container exerts a pressure. Define the term pressure. So Abdul Rahman ne bataya hame force exerted per unit area. Theek hai? अरे एक्सर्टेड लिखना जरूरी है? नहीं जरूरी। यस सर तो मेरे पेज नंबर बता दे प्लीज। पेज नंबर आई थिंक दो है। फोर्स पर यूनिट एरिया
नेक्स्ट पार्ट में द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 1.4 एक्सपोनेंट 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. That pressure of the atmosphere is 1 exponent 5 pascals. Calculate the pressure of the gas in the container. ये question 2 mark का नहीं है, 3 mark का है. सही है ना? जब question आपके पास 2 mark का question, 3 mark का अगर given है, तो इसका मतलब है कोई एक step additional है. ठीक है? तो जरा गौर से कीजिएगा इस question. रोजर सहेगा. Yes, density given है. डिफरेंस इन हाइट आपके पास फिगर 2.1 से मिल जाएगी. जी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन साथ में उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको दे दिया. मुझे बताएं गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा या कम है? सर कम है. कैसे कम है? सर क्योंकि वो लेवल उसके ऊपर है ना, जिस तरफ गैस है ना उस तरफ मर्करी लेवल ज्यादा है. इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस प्रेशर. यस सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा. इसके प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सर माइनस करेंगे. माइनस कर, ठीक है. तो प्रेशर निकालें रो जी एच से और उसमें उसको माइनस कर दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 लाख है. 1 लाख में से आपने 22,400 को माइनस करना है. और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जो लेंथ है ना वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. एक्सपोनेंट माइनस टू मैंने इसलिए लगाया है. ठीक है, रिपीट करें. एक्सपोनेंट माइनस टू की वैल्यू हमने इसमें से ली है, नैनोमीटर में से. हाँ देखो, नैनोमीटर में एक लेवल 0 पे है, एक लेवल 16 पे है, तो डिफरेंस 16 का हो गया. लेकिन 16 सेंटीमीटर का मतलब है 16 एक्सपोनेंट माइनस 2. सही है. और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आपने ये देखना है कि गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है या कम है. तो आप देखें गैस राइज कर रही है, वो मर्करी राइज कर रहा है गैस की तरफ. इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस प्रेशर से ज़्यादा है. तो गैस का प्रेशर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से गैस के प्रेशर को जो कि 22,400 आया है हमने माइनस किया है. ओके सर. पार्ट सी, पार्ट बी तक कर लिया हमने? किसी ने सर वो सर एक सेकंड सर पीछे करें. बेटा ये पेपर 2 का ग्रेड या तो आपका ग्रेड बना लेगा या ग्रेड गिरा देगा, याद रखना सब. ठीक है, आप पेपर 4 आपने जैसा दिल चाहे किया हो, चाहे बहुत अच्छा या बहुत बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन पेपर 2 खराब किया तो बस भूल जाना अच्छा ग्रेड. सही है, उसमें मार्क्स लेना बहुत मुश्किल नहीं होता पेपर 2 में. सीधी सीधी थ्योरी है, थ्योरी के मैंने आप लोगों को लिंक सबको दी हुई है, लेक्चर एक्सेस आप लोगों के पास है, रिपीट करें, देखें क्या क्या चीजें और रिवाइज. सर लाइट कब पढ़ाएंगे? लाइट किस किस ने लाइट पढ़ना है? सारा के अलावा और कौन कौन है? सर मुझे पढ़ना है. सर मैंने पढ़ना सर. ठीक है, मुझे भी लाइट की क्लास कल होगी. सही है, कल हम लाइट पढ़ेंगे. अच्छा, मैंने 2 चैप्टर्स आपको वेट पर रखने सर हमारे लिए. सेंटर पर रखने सर आसानी हो जाएगी. काम करते हैं, सैटरडे को सेंटर पे रख सकते हैं, लेकिन क्या करें सर, सैटरडे बहुत देर हो जाएगी. सर सैटरडे देर हो जाएगी ना, कल रखते हैं. चलो कल सेंटर में रख लेंगे, देखते हैं फैजान. ठीक है, जो टाइम में देख दूंगा फिर मैं शाम में, उस वक्त फिर देखता हूँ कि उस वक्त किसी और की क्लासेस सेंटर में नहीं है तो फिर. ओके सर. सही है, वरना फिर मजबूरन आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा. फिर मैं ऑनलाइन में यहाँ पे मैं कैमरा ऑन कर लूँगा अपना, जो कुछ करा रहा हूँ वो मैं साथ साथ दिखा भी दूंगा कि रजिस्टर पे या जिस तरह भी, तो वो आपको ठीक है उसका नहीं होगा. सही है, तो कल हम लेकिन लाइट कंप्लीट कर लेंगे. अच्छा, मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर्स भेज दिए थे, जनरल वेव प्रॉपर्टीज और साउंड. ठीक है सर, वो तो कर लिया. हाँ, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रह जाएगा और लाइट वो हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लेंगे, आपका वेव्स पूरा हो जाएगा.
सर ये सीआरओ किसका पार्ट है? सीआरओ इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म के बाद पढ़ते हैं उसको, वो भी करना है, वो संडे को कर लेंगे, वो छोटा सा 5-10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है सर। अच्छा पार्ट सी सर, हमने तो वो भी नहीं किया हुआ। क्या नहीं किया हमने? वो हीट वगैरह वाला। तो बस पहले लाइट कर लो कल, फिर सैटरडे को थर्मल कर लेना। सही है? हां सर, ठीक है। आप ऐसे क्यों नहीं करते सर, क्योंकि अभी तो अगला पेपर तो फिजिक्स है, तो सब तो फारिग होंगे ना, तो आप सुबह भी क्लास रख ले और शाम में भी रख ले। ऐसा, हां ऐसा कर लेंगे, ये बात सही है। सैटरडे को हम दो क्लासेस रखेंगे, एक सुबह और एक शाम, संडे को भी हम दो क्लासेस रखेंगे, सुबह और शाम। सही, बेहतर सर, बेहतर। ठीक है सर। अच्छा काश आप ये सर अफराज को भी बता देते। सर अफराज से तो मुझे बार बार नाम लाया करो, मुझे दुश्मन बना लेगा थोड़े थोड़े। अच्छा जी, पार्ट सी इन फिगर 2.1, एक मिनट जरा मैं खामोशी करवाऊँ। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ इन फिगर 2.1 द मर्क्यूरी लेवल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मैनोमीटर इज लोअर देन ऑन द राइट हैंड साइड, द गैस इनसाइड द कंटेनर इज हीटेड, दिस कॉजेस द मर्क्यूरी लेवल्स ऑन बोथ साइड्स टू बिकम द सेम। सही है? सेम का मतलब क्या है? जो लेफ्ट वाला कॉलम जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा? 8 पे आ जाएगा सर, और वो आधा मतलब, और वो 16 वाला भी आज कहाँ पे आ जाएगा? 8 पे आ जाएगा। टू डिटरमिन द मर्क्यूरी लेवल एज शोन ऑन द रूलर व्हेन दिस हैपेंस, तो मर्करी लेवल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सही है, ये क्लियर है सबको? क्योंकि 16 था ना, 0 और 16 था, 16 से आधा इधर से गिर रहा है और उधर से आधा उठ रहा है, लेवल बराबर करने के लिए। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स व्हाट कॉजेस द लेवल ऑफ मर्करी टू बिकम द सेम। सर यो प्रेशर और गैस का वो गजैन को बोलने सर, गजैन को बोलने बोलो गजैन सर, जो प्रेशर हो गैस का वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के सर वो मतलब इक्वल हो, और सर और क्या होगा सर? सही है, ठीक है, अब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तब होगा जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि गैस उसमें फ्लास्क में है, पहले उसका प्रेशर ज्यादा था या कम था? सर कम था। और कम था सर, अब ज्यादा हो गया। अब सर ज्यादा हो गया सर। अब ज्यादा क्यों हो गया ये बताएं? ऊपर हीट मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड सर, क्योंकि वो हीट किए, हीट करने से क्या हुआ? टेंपरेचर बढ़ गया और कोलिजन ज्यादा हो गई। टेंपरेचर बढ़ने से स्पीड ज्यादा हो गई, बढ़ जाती है सर स्पीड, बढ़ने स्पीड बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। फैजान जो तुम तीसरे स्टेप में आंसर लिखना है ना, तुम पहले स्टेप में बात कर रहे हो उसकी, सही है फैजान? सही सर, सही है। तो अब आप क्या बोलेंगे? टेंपरेचर बढ़ा, हीट देने से टेंपरेचर बढ़ा, टेंपरेचर बढ़ने से स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो, स्पीड बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, तो या तो आप स्पीड लिखेंगे या काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, एक ही बात है। आप बोलेंगे हीट दी, टेंपरेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जिसकी वजह से प्रेशर गैस का बढ़ गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। गजैन समझ आई बात या नहीं आई? जी सर अब समझ आ गई। पूरे को देखो, अब पहले स्टेप में चौथी बात नहीं लिखेंगे हम, तुमने गजैन ने तो बताया चौथी बात और फैजान ने बताई तीसरी बात, और पहली और दूसरी आते आने के बावजूद आपने उसको सीक्वेंस में नहीं बोला। ठीक है, ऐसे नहीं कीजिएगा। सर पेपर 2 70 मार्क्स का है, 75 का, 75 40 मार्क की सेक्शन ए में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, और 30 मार्क्स के, सॉरी 45 मार्क्स होगा सेक्शन ए, और 30 मार्क्स होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 सवाल होंगे, अगर आपको 3 आते हो तो तीनों कर लेना। सही है, समीर और बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ, ये जो हाई अचीवर्स है ना इनको बता रहा हूँ, जिनको 3 आते हो, टाइम हो, तीनों कर लेना। सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल 3 सवाल में से आपके 2 में आते हैं 15 और 1 में आते हैं 10,
तो 15-15 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ये रूल है सर। मतलब तो मैं भी पूरे तीन ही करूंगा। करते हुए तो नहीं पता होता ना आपको कि भाई आप गलत क्या कर रहे हैं सही क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो अगर आपको तीनों आ रहे हैं आप तीनों कर लें, ठीक है? वो जब चेक होंगे तो कोई भी दो जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे ना वो इंक्लूड हो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट मैं अपने सब्जेक्ट का जिम्मेदार हूँ, बाकी का मुझे नहीं। सर एक सेकंड पीछे करें। जी सर। सर पेपर में तो लिखा हुआ है आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम थ्री। मैं यही कह रहा हूँ कि आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम थ्री, ये आपके पास चॉइस है एक क्वेश्चन की, लेकिन आपकी मर्जी है ना आप कौन सा दो करते हैं उसमें से। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप तीनों कर रहे हैं तो एग्जामिनर तीनों चेक कर लेगा, तीनों के मार्क्स जब एंटर होंगे तो बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट टू के आपके रिजल्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, सही है, और एक को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आपको खुद ही पता चल जाए तीसरा सवाल आपको आता ही नहीं इतना अच्छा जितना अच्छे दो आते हैं तो आप ना करें, मतलब। लेकिन अगर आपको तीनों एक जैसे अच्छे आते हैं और आप कन्फ्यूज हैं कि मैं कौन सा करूँ तो तीनों कर लें। सर एक बात और पूछनी है सर मुझे। हाँ फॉर एग्जाम्पल सर हमने एक क्वेश्चन किया वो हमें एहसास हुआ कि मैंने गलत लिख दिया है, तो फिर मैं उसको कैसे रीराइट करूँ सर? उसको काट दो और जहाँ पर ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर के साथ लिख लो। ओके तो फिर वो चेक कर लेगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, जब वो बोले ना डायग्राम में ड्रॉ करें या टेबल बनाएं, तो उस वाले में मैंने आपको मिशन बताया वो काम आप पेंसिल से किया करें, सही है? टेबल आप पेंसिल से बनाएं, जब आप डायग्राम में कोई चीज लेबल कर रहे हैं पेंसिल से करें, क्योंकि वो एक दफा आपने खराब कर दी ना तो नई डायग्राम तो बना के नहीं देने लगे ना वो आपको। यस यस। वहां पर आप पेंसिल यूज किया करें, लेकिन हाँ अगर आपने किसी जगह पर आंसर देते हुए लाइंस में एक्सीड कर दिया या गलत लिख दिया और आप दोबारा लिखना चाहते हैं तो तमीज से उसको काट दें, लाइन बना दें। अच्छा उस पर कलर भी ना करें, उसके साथ जंग ना लड़ें। लाइन से अगर आपने दो काट दी ना इसका मतलब है वो कैंसिल हो गया है, जंग लड़ने नहीं बढ़ जाइएगा कि बस कलर कर रहे हैं घिस रहे हैं पेन उसके ऊपर कि नजर ना आए किसी तरीके से मैंने लिखा गया, ठीक है? दो लाइन लगाएं तमीज से कि कैंसिल ये लिख दें क्लियर, नीचे लिखें क्वेश्चन मार्क दोबारा से क्वेश्चन नंबर और दोबारा आंसर लिख दें तमीज से खूबसूरत सा, सही है? जंग तो दिए होंगे ना जी। अगर गलती हो जाए तो स्केल से एक पेंसिल से लाइन खींच दें वो मिट जाएगा। पेंसिल से नहीं पेन से, जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो दो पेंसिल से दो लाइंस आप अपने आंसर पे लगा दें कि आपने उसको कैंसिल कर दिया है, देन नीचे उम्र वाली पेपर दे रहे हैं अभी? नहीं अभी नहीं दे रहे, लेकिन स्टॉक है तो पेपर देने का। क्वेश्चन नंबर सर आप करवाएं। क्वेश्चन नंबर 3 फिगर 3.1 शोस 3 रेज ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर फ्रॉम अ लाइट सोर्स एस। One ray of light is totally internally reflected at the boundary between water and air. On figure 3.1, mark with a critical angle and label it C. Critical angle की definition बता अपना हमें। There is that particular angle for incidence for the for which the angle of refraction is 90 degrees in the denser medium. Critical angle angle of incidence है जिस पर angle of refraction 90 degree होता है। तो मुझे बताएं इनमें से कौन सा critical angle है? Sir एक बार फिर से बताएंगे। लिख लें अपने पास सेकंड वाली एंगल लिख लें बता एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 लिखिए लिख लिया सर। आप देखें इसमें डॉटेड लाइंस बनी हुई है तीन, फिगर 3.1 में देखें तीन डॉटेड लाइंस हैं। डॉटेड लाइन क्या चीज है मुझे बताएं सर? नॉर्मल नॉर्मल है सर, नॉर्मल है, सही है। पहले वाले में एंगल रिफ्रैक्शन 34 है, सही है सर। दूसरे वाले नॉर्मल को देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है या नहीं है? दूसरे में, पहले में, तीसरे में? दूसरे में, तो दूसरे में मार्क कर लें, इसको लिख दें सी, क्योंकि यहाँ पर एंगल तीसरा भी तो 90 है ना सर। कहाँ से 90 है तीसरा? थप्पड़ लगाओ तुमको फैदान, 90 से ज्यादा इसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन हो रही है, वापस आ गई लाइट रे, वाटर से वाटर आ गई।
ये क्रिटिकल एंगल इधर ही मेंशन करेंगे जैसे आपने किया है, नहीं तो और कहां करेंगे? आपने जहां ऊपर 90 डिग्री लिखा है वहां पे नहीं कर सकते मेंशन? वो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, उसको तुम 92 उसको क्रिटिकल एंगल क्यों बना रहे हो? डेफिनेशन क्या लिखवाई है मैंने सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है इन दोनों में से, 90 और दूसरे में से? एस वाला सर, एस वाला नीचे जो जी लाइट रे आ रही है वाटर से जा रही है एयर में, तो इंसिडेंस वाटर में हुआ ना? यस। इंग्लिश पढ़ नहीं रहे तुम उसकी, आगे थोड़ा सर माफ द क्रिटिकल एंगल, तो इसलिए हो मैं। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में होता है, सही है? मतलब वाटर और एयर में से डेंसर कौन है? वाटर डेंसर है, डेंसर है सर। जहां पे स्पीड ऑफ लाइट, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वहां पर क्रिटिकल एंगल होगा। स्टेट व्हाई ओनली वन ऑफ द थ्री रेज इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। तीन लाइट रेज है इसमें सिर्फ एक टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, बताएं पहले तो बताएं वो कौन सी है, 1, 2 या 3? सर 3rd है, 3rd का एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है क्रिटिकल। एक एक मिनट रुकना जरा। ये देखो वो अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, सही है? तो आप देखें तीसरे में, तीसरी रे में क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, पहले वाले में कम है और दूसरे में क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है? यही आपका फिर आंसर है। तो मैं रेज को नाम भी दे दिया और डेफिनेशन भी लिख दिया, इसको देख लें जरा। सर प्लीज वापसी बता दें, क्या वापस बताऊं? जो आपने बोला कि कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है, कौन सा एंगल रे का एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, सही है? रे 2 का क्रिटिकल एंगल के बराबर है और रे 3 का उससे ज्यादा है। ओके सर, थैंक यू। नहीं सर, 2 मिनट। सारा कर लिए जी सर। ओके नेक्स्ट, किसी ने पूछना है यहाँ पे तो पूछ लें। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, फॉर्मूला बताएं। साइन आई अपॉन साइन आर, फास्ट अपॉन साइन स्लो, साइन फास्ट अपॉन साइन स्लो, साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर आप कह सकते हैं साइन बिगर डिवाइडेड बाय साइन स्मॉलर, विच मींस बिगर एंगल विल बी न्यूमरेटर एंड द स्मॉलर एंगल विल बी डिनोमिनेटर। तो आप देखें रे 1 में एंगल्स गिवन है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 25 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 34, लेकिन आप 34 ऊपर रखेंगे
और 25 नीचे रखेंगे हमेशा। जब भी फॉर्मूला यूज होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो बड़ा एंगल ऊपर आएगा, छोटा एंगल नीचे आएगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी आएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं होता। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा कभी भी नहीं आएगा। अगर आपका आंसर 1 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत किया है, और वो गलती यही हो सकती है कि आपने बड़ा एंगल नीचे किया। बिफोर द मशीन इज ऑन सर 1.323 सही है सर, 2 डेसिमल फिगर तक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें मसला नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला आता है आप लोगों को, वो लिखें n is equal to 1 upon sin c, sin 1 upon n, इसमें c निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, n आपको ऊपर नोन है 1.32 n है, c अननोन है। मैथ्स सर 50.28 बाकी लोगों का क्या आ रहा है? सर 49 डिग्री 49.25 सर, उधर एक वो दी हुई है, क्या बोलते हैं, रेंज दी हुई है 49 to 51। फॉर्मूला वैसे होता है साइन आई अपॉन साइन आर, जब क्रिटिकल एंगल बनता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, तो इसका फॉर्मूला है साइन 90 अपॉन साइन सी इज इक्वल टू एन, तो 1.32 इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन सी, साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय एन, तो जो आंसर आएगा उसका साइन इनवर्स ले लेंगे तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, 50 डिग्री आंसर आ रहा है। ठीक है, यस सर, ओके, नेक्स्ट। अ स्टार एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। फिगर 4.1 शोज द ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द स्टार एट डिफरेंट वेवलेंथ्स। रेडिएशन फ्रॉम द स्टार इज ब्राइटेस्ट एट 1 वेवलेंथ। डिटरमिन द वेवलेंथ वेयर द रेडिएशन इज ब्राइटेस्ट। ग्राफ में देखें सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कितनी वेवलेंथ पे है? सर 1.2 सर 1.2 तो फिर आंसर हो जाएगा 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 6। गजन यू आर मेकिंग मी प्राउड हियर। इस तरह से होता है, दिमाग ऐसे चल रहा है, ट्रेन चल रहा है। पार्ट बी, विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 एंड 7 एक्सपोनेंट माइनस। वेवलेंथ का एम क्या है सर? सर वेवलेंथ का एम क्या है? कहाँ पर एम क्या है? यूनिट है उसका? अच्छा यूनिट, ये यूनिट ही पूछ रहा था। लेंथ है ना, तो मीटर में ही होगी ना, और किसमें? सेंटीमीटर में, वो सेकंड्स में होगी, किलोग्राम में होगी, किसमें होगी? सही सही। द रेडिएशन इन पार्ट ए लाइज जस्ट आउटसाइड द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टेट द नेम ऑफ द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट कंटेन्स द रेडिएशन इन पार्ट ए। मुझे जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मुझे नाम सुनाएंगे आप लोग? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। यस, रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक ज़ाइलोफोन गेम्स। अब आप मुझे बताएं कि विजिबल से, अच्छा विजिबल स्पेक्ट्रम से इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, तो ये अल्ट्रा नहीं है क्या? अल्ट्रा है नहीं, उसकी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी सर, क्योंकि सर वेवलेंथ जो है ना
नीचे से ऊपर इंक्रीज होती है, लाइक गामा की सबसे कम होगी वेवलेंथ और रेडियो वेव की सबसे ज्यादा होगी वेवलेंथ। यस, जब आप रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल लिखते हैं तो ये वेवलेंथ डिक्रीज हो रही होती है, तो विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रा की और विजिबल से कम वेवलेंथ होती है अल्ट्रा की। सही है? यस सर। तो हमें ज्यादा वेवलेंथ लिखनी थी इसलिए हमने इंफ्रा लिख दिया, अगर कम वेवलेंथ लिखनी होती तो हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को लिखते हैं, क्योंकि विजिबल की एक तरफ इंफ्रा है और एक तरफ अल्ट्रा है। यस सारा, सर नेक्स्ट पार्ट पे हमें फ्रीक्वेंसी निकाल ली है तो उसका फॉर्मूला स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है ना? यस, स्पीड कितनी होती है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की? सर लाइट वाली स्पीड ऑफ लाइट याद रखना है, क्योंकि हर दफा गिवन होती नहीं है, ये आपको याद करनी है 3 exponent 8, ये कभी पूछ भी लेते हैं वो आपसे। सर इसकी वेवलेंथ रही होगी ना जो ऊपर निकाली है? हाँ, क्योंकि वो कह रहा है वही पार्ट ए में, देखो लिखा मैंने पार्ट ए का आंसर यूज करना। अच्छा, किसी ने अगर पार्ट ए का आंसर गलत भी लिखा होगा ना तो भी यहाँ उसको फुल मार्क मिलेगा, क्योंकि उसका मार्क वहां डिटेक्ट हो चुका होगा जो होना था। सर इसका ये 3 marks है तो यूनिट लिखने के भी मार्क्स है ना इसमें? जी बेटा। Figure 5.1 shows part of a machine used to investigate electrostatic charging. अब ये जो 5.1 में जो कुछ लिखा है सब आपने रीड करना है। मेटल डोम नेगेटिवली चार्ज, बेल्ट है, मेटल बॉल है, कंडक्टिंग रॉड है और एक वायर है विच इज कनेक्टिंग द रॉड टू द अर्थ। बिफोर द मशीन इज स्विच्ड ऑन द मेटल डोम एंड द बॉल आर चार्ज्ड। चार्ज का मतलब क्या होता है? इक्वल है सर, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेरी गुड। व्हेन द मशीन इज स्विच्ड ऑन द मेटल डोम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड मींस तो उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। वेरी गुड। तो मेटल बॉल पर लेफ्ट साइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और राइट साइड पर? नेगेटिव। नेगेटिव। मेटल बॉल अर्थ से कनेक्टेड है या नहीं है? तो वो नेगेटिव चार्जेस चले जाएंगे, अर्थ की तरफ चले जाएंगे। जी सर। तो मेटल बॉल इलेक्ट्रॉन सर, मेटल बॉल पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक्सप्लेन चार्जिंग डोम कॉजेस द मेटल बॉल टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कुछ आपने बोला है ये सब कुछ हमने यहां लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। अच्छा सर, सर 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 बस मुझे कंफर्म कर दीजिए कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स और रिपेल होंगे सर ये सीधा जाएंगे ना इन दी मेटल वायर कनेक्टिंग टू द अर्थ? सर नेगेटिव चार्जेस को नहीं जाएंगे ना इनटू द अर्थ, क्योंकि चार्ज तो बनेगा ही नहीं नेगेटिव। आप नेगेटिव चार्जेस बोले या इलेक्ट्रॉन बोले एक ही बात है। यस सर दैट, लेकिन सर कोई एटम तो गेन नहीं करेगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा ना, एक्सेस चार्जेस हैं। ये कह लो कि कुछ एटम्स इसमें से मेटल बॉल के इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं अर्थ को बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस ऑन दैट मेटल डोम। कल मैथ्स वगैरह या केमिस्ट्री की किसी की क्लास तो नहीं है? सर क्लास है लेकिन टाइमिंग नहीं पता कब है। 9:30 पे तो नहीं होगी ना, मतलब हमारे टाइम पे तो किसी की कोई क्लास नहीं है। नहीं नहीं सर, रात को। सही, ये कॉपी कर लें तो बताएं। सर यस सर, आप 2020 वाला पेपर को सॉल्व करा दीजिएगा।
आप लोग कल या परसों के लिए प्रिंट करा लें उसको पेपर को। सर आपने वो स्कूल में करवा दिया था? मैंने करवा दिया था तो मैं लिंक आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास की भेज दूंगा अगर मैंने रिकॉर्ड की थी। पता नहीं तो दोनों वेरिएंट तो नहीं करवाया होंगे ना? हां एक कराया होगा शायद, दोनों नहीं कराया था। जो नहीं कराया होगा वो मैं करा दूंगा। सर आप ऑनलाइन सेंटर में साथ साथ पढ़ा सकते हैं, जैसे जो बच्चे सेंटर में पढ़ना चाह रहे हो वहाँ पढ़ ले और जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हो उनको ऑनलाइन पढ़ा दो। ऐसे ही करता हूँ। सही है? यस सर। Photocopier works using electrostatic charging. It contains a drum whose surface conducts charge where it is exposed to light. Figure 5.2 shows a piece of paper, the drum and the heater of a photocopier. The photocopier produces a copy of an original page on a piece of paper. The sentences below describe the process of making the copy, but the sentences are in wrong order. The photocopier produces a copy of an original page on a piece of paper. The drum is given a positive charge. ये point ये A है और ये जैसा लिखा है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने बताना है A के बाद और F के पहले ये तमाम जितने भी boxes empty हैं इनमें कौन कौन से points आएंगे। सर C आएगा। The drum is given a positive charge के बाद where light hits the drum the positive charge leaks away. ये कह रहे हैं मिस्टर समीर। सर डी होगा शायद। डी क्यों होगा? एन इमेज ऑफ द ओरिजिनल पेज इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द ड्रम। सर सी होगा। वेयर लाइट हिट्स द ड्रम द पॉजिटिव चार्ज लीक्स अवे। ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज है और जब ड्रम पर लाइट आती है तो वो चार्ज लीक कर देता है। अगर हम लिखते हैं सी पहले, ठीक है, तो डी फिर कब आना चाहिए बताएं। पहले डी आएगा, सही है सर? मुझे लग रहा है डी ई सी बी। पहले डी आएगा फिर सी आएगा। अगर आपने सी पहले लिख दिया तो फिर डी की वो नहीं है, कहानी में जगह नहीं है फिर। समझ रहे हैं या नहीं? डी और सी पढ़े हैं, मुझे बताएं अगर आपने सी पहले लिख दिया तो आप डी क्यों लिखेंगे? सर उसके बाद ई आएगा फिर बी आएगा। सही है। आगे बताएं, ये यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? डी और सी तक जी सर समझ में आ गया। हाँ, सर समझ। आपको अलाउड नहीं है, तुम जानते नहीं हो इन लोगों की कैफियत को भी। सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि डीसी के बाद ई और बी आएगा। ठीक है, बी हो गया। द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट्स ऑफ द ड्रम अट्रैक्ट अ ब्लैक पाउडर एंड देन द ड्रम रोल्स अगेंस्ट अ पीस ऑफ पेपर ट्रांसफरिंग पाउडर टू द पेपर। पूछना है किसी ने कुछ? ये तो याद करने का है। देखो सीक्वेंस को देखो, स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए, लॉजिक बननी चाहिए। अगर आप कोई भी पॉइंट पहले लिख देंगे तो ऑफ कोर्स उसके पहले वाला पॉइंट बाद में नहीं आ सकेगा। और ये वाली चीजें मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इस तरह की चीजें पेंसिल से कीजिएगा, ठीक है? जैसे मैच द कॉलम आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, के आपने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मैच करना है तो वो भी आप पेन से ना कीजिएगा, ठीक है? पेंसिल से कीजिएगा ताकि इस बात का काउंट हो जाएगा। बिल्कुल काउंट होगा। काउंट कहाँ पर नहीं होता? वो वहां नहीं होता जहां पर आपने आंसर लिखना होता है। ये लेबलिंग का हो गया, ये मार्क करने का हो गया, ये इस तरह की चीजें जो है ना ये पेंसिल से ही करते हैं। और अगर आप कुछ डाउट भी है तो पहले पेंसिल से कर लें, पेपर एंड होने के बाद उसको फेयर कर लें। कितनी देर लगेगी पूरे पेपर में? 2-4 क्वेश्चन इस तरह के होंगे, लेकिन रिस्क उसमें ज्यादा है कि आप अगर पेन से कर लेते हैं और बाद में आपको ख्याल आता है कि आपने गलत कर दिया तो बहुत ज्यादा गंदगी मचेगी उसमें।
ठीक है, जहाँ पर बॉक्सेस यहाँ पे कॉलम दिए हों या लेबल करने की चीज़ हो, डायग्राम्स में काम करना हो, ये आप पेंसिल से कीजिएगा पहले, ठीक है। आगे चलें यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6। Two lamps P and Q are connected to a battery of electromotive force 6 volt and an ammeter as shown in figure 6.1. The lamp P has a resistance of 15 ohms. The ammeter reading is 0.65 ampere. Calculate the current in lamp P. Lamp P ka current total current hai ya individual current hai? Sir, individual. Individual. Individual hai sir. Individual current hai. Aur total current kitna hai aapke paas circuit mein? 0.65. सही है। अच्छा, P और Q पैरेलल लगे हुए हैं ना, तो इनका वोल्टेज सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो P का वोल्टेज भी 6 है और Q का वोल्टेज भी 6 है। P की रेजिस्टेंस आपको 15 ओम्स दी हुई है, तो P का करंट निकाल सकते हैं, I is equal to V upon R। V upon R। V कितना है? 6 upon 15 करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.4 सही है। टोटल करंट कितना है? 0.65। और तो फिर मुझे बताएं लैंप क्यों करेंगे? सर सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर उसको, सर 0.25 एम्पीयर। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है V upon I, V है 0.25 इनका सेट है। ओ सॉरी सॉरी, 24 ओम्स, ठीक है। याद है, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में द टू लैंप्स आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज। जी सर, जब एमीटर सर सीरीज और पैरेलल में लगता है सर, फर्क क्या होता है सर दोनों में, पैरेलल और सीरीज में? एमीटर कभी भी पैरेलल नहीं लगता। अच्छा, तो सर ये सीरीज में सर कैसे लगता है? जैसे लगा हुआ है यहाँ पे, ये सीरीज कनेक्शन, ये सीरीज है, पैरेलल थोड़ी है। पैरेलल होता तो ये ऐसे कनेक्टेड होता, वोल्ट मीटर की तरह। सही है, ओके सर, समझ आ गया। The two lamps are now connected in series to the ammeter and the same battery. In the space below, draw the circuit diagram. अभी इन लैंप को आपने लगाना है सीरीज में बैटरी के साथ। बाकी सब सेम होगा सर? बाकी लगाना ही कुछ नहीं है। एमीटर बोला नहीं है उन्होंने। अच्छा बोला भाई, तो एमीटर लगेगा तो एमीटर सर लेफ्ट साइड पे नहीं लग सकता? कहीं पर भी लग सकता है एमीटर, चाहे बीच में लगा दें बल्ब के, चाहे लेफ्ट पे लगाएं, राइट पे लगाएं, बैटरी से पहले लगा लें, बैटरी के बाद लगा लें, सर्किट में सीरीज में लगाएं बस, क्योंकि सीरीज सर्किट है, हर जगह रीडिंग तो सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो पिछला वाला सर्किट है ना, इसमें एमीटर जहाँ पर आप लगाएंगे वहाँ पर रीडिंग चेंज हो जाएगी। अभी जो एमीटर लगा हुआ है ये सर्किट का टोटल करंट बता रहा है। अगर आपने एमीटर यहाँ लगा दिया तो ये पी का करंट बताएगा, अगर आपने एमीटर यहाँ लगा दिया तो ये क्यू का करंट बताएगा, अगर आपने एमीटर यहाँ लगा दिया तो ये फिर से टोटल करंट बताएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं ये लैंप सीरीज में लगे हुए हैं, इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? सर ज्यादा होगी, ज्यादा हो जाएगी सर, ज्यादा होगी। तो सर्किट का करंट 0.65 होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और वो यही पूछ रहे हैं कि क्यों होगा, तो आप बोले सर्किट की रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई है जबकि वोल्टेज वही है पुराना वाला, इस वजह से सर्किट का करंट कम हो जाएगा। सर रेजिस्टेंस बढ़ गई है जैसे करंट कम होगा सर। Yes. सर हम ये नहीं कह सकते कि सर वो जो वोल्टेज है सर वो इसके अंदर डिवाइड हो रहा है?
टोटल सर्किट के करंट की बात करें इसलिए टोटल वोल्टेज जी की बात और टोटल रेजिस्टेंस की ही बात करें तो अच्छा है, वरना फिर इंडिविजुअली पहले ये बताना पड़ेगा कि पहले दोनों लैंप्स को 6-6 वोल्ट मिल रहा था, अब एक को 6 वोल्ट नहीं मिल रहा, इस तरह से बताना पड़ेगा। सही है, टोटल करंट की बात हो रही है, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस से रिलेट कर दें। डन यहां तक? यस सर। ओके नेक्स्ट, फिगर 7.1 शोज अ कॉपर वायर प्लेस्ड ऑन टू कॉपर रॉड्स इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब डायग्राम दी हुई है, इसको पूरा रीड करें। बैटरी है, क्रोकोडाइल क्लिप्स लगे हुए हैं, उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल कॉपर रॉड्स हैं, फिर कॉपर वायर है, फिर मैग्नेट है, ठीक है। द क्रोकोडाइल क्लिप ए टचेस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस कॉजेस द कॉपर वायर To move, कौन सी कॉपर वायर मूव कर रही है? जो देखो कॉपर वायर ये लिखा हुआ है, ये मूव कर रही है। ऑन फिगर 7.1 मार्क विद एन एरो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉपर वायर। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो कॉपर वायर में करंट अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा? अपवर्ड अपवर्ड होगा ना। यस, तो ये देखें रेड एरो मैंने बनाया, आप लोगों को भी इस तरह एरो बनाना होगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है करंट, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव। अगर एरो उल्टा बनाया तो मार्क नहीं मिलेगा। सेम क्वेश्चन वो ये आ सकता है कि आप वो बोलें कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो बताएं, तो फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए आप एरो ऑपोजिट बनाएंगे, मतलब डाउनवर्ड बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन व्हाई द कॉपर वायर मूव्स अलोंग द कॉपर रॉड्स। कॉपर वायर मूव करने का मतलब क्या है? कॉपर वायर पे फोर्स लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है सर। कॉपर वायर में करंट है या नहीं है? है। है सर। कॉपर वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? है। और मैग्नेट की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? है सर। दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई हैं। यस। कौन कौन सी? सर एक मैग्नेट की और एक कॉपर वायर की। जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही रीजन में होंगी तो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, फोर्स लगाएंगी या नहीं लगाएंगी? लगाएंगे। तो यही रीजन आपने लिखना है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट इंटरेक्ट्स एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कॉपर रॉड व्हिच मेक्स इट मूव। सर क्लास 10:30 तक है ना? हाँ, ये भी एंड हो जाए वाला क्वेश्चन, बस फिर खत्म करेंगे। आप लोगों ने आगे तो सेक्शन बी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दें, सेक्शन ए पूरा खत्म करवा दें। सेक्शन ए पूरा करवा। हाँ सर, सेक्शन ए करवाएंगे बस। याद कर लिया आप लोगों ने? देखें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट कॉजेस द फोर्स ऑन वायर दैट मेक्स इट मूव। सर मेरा एक सवाल है। सर मैं कह रहा हूँ कि सर अगर कोई बंदा पुशअप्स कर रहा है तो सर उसका जो पिवट होगा वो उसका उसके टोज होंगे या फिर उसका हाथ होगा जिससे वो पुशअप जिसमें वो फोर्स लगा रहे हैं? यस, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे अगर कोई सर बंदा पुशअप्स लगा रहा है तो सर इसका जो पिवट होगा वो उसका हाथ होगा या फिर उसके टोज होंगे? पिवट टर्निंग इफेक्ट की बात कर रहे हो? यस सर। टर्निंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, कॉइल थोड़ी है, वायर है। सर ये एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन सर होते ही नहीं है, जस्ट फाइंड आउट करनी होती है एक्सेलरेशन। क्वेश्चन निकाल के रखें, अभी जब हम आखिरी की क्लासेस रखेंगे तो उसमें सब एक दूसरे इसमें यही करेंगे। सही
जो मुश्किल सर एक मैं आपको WhatsApp पे भेज दूं मुझे बता नेम टू डिफरेंट डिवाइसेस दैट यूज दिस इफेक्ट क्या ये मोटर है या फिर ये जनरेटर है पहले ये बताएं सर मोटर ये मोटर है सही है क्योंकि इसमें बैटरी लगी हुई है तो ये मोटर है और मोटर से रिलेटेड कोई भी दो आप ठीक है जहां पर फोर्स लगे जहां पर सर बैटरी तो जनरेटर में भी होती है आयान ये टॉपिक आपने नहीं किया अभी हम करेंगे ठीक है रिले सर्किट ब्रेकर डीसी मोटर या लाउड स्पीकर ठीक है जहां जहां पर भी मैग्नेटिक फोर्सेस में तो वो कौन होती है ना कौन की बात नहीं हो रही बात हो रही है करंट से फोर्स प्रोड्यूस कहां कहां होती है अच्छा स्पीकर की फोन वाइब्रेट करती है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सही है तो उसने पूछा है ये इफेक्ट कहां कहां यूज होता है तो जहां जहां मैग्नेट की वजह से करंट की वजह से फोर्सेज जनरेट हों और मूव करवा रहे हैं वहां पर आप यूज कर सकते हैं इवन आपका जो डोर लॉक्स होते हैं इलेक्ट्रिक डोर लॉक्स बटन दबाया और डोर खुल गया तो वो भी इसकी एप्लीकेशन में यूज हो सकता है ठीक है ठीक है सर फिगर 8.1 शोज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू शो द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड फिलामेंट है पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल सिलेंडर है जिसको आप एनोड कहते हैं टर्मिनल्स हैं हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स हैं और फिर वैक्यूम है Explain how a continuous flow of electrons from the filament is produced in this apparatus. Sir, high potential anode or heated filament. Very good. ये है thermionic emission, CRO का सबसे पहला topic और वो उसमें आपने ये पढ़ना होता है कि how the continuous flow of electron is maintained. तो उसमें दो conditions satisfy करनी होती हैं. एक होती है high positive potential which means anode which is of very high electric field strength and the system should be in vacuum which means because if the air resistance is present inside the chamber electron beam will not be generated because electron is very light particle if there will be air present then it will be absorbed in air beam will not be generated to do condition mein se pehli condition kya hai ki anode ka voltage bahut high bahut zyada hona chahiye dusra ye hai ki is chamber ko vacuum hona chahiye matlab isme air nahi honi chahiye kyunki electron bahut light particle hai agar air hogi to electron air mein absorb ho jayega सर फिलामेंट किसी बैटरी से कनेक्टेड होता है ना जो फिलामेंट है ये लो वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड होता है और कैथोड और फिलामेंट कहां कहां होता है मतलब डिफरेंस है सर ये अब सीआरओ कब कराएंगे सर ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये करेंगे हम संडे को ओके सर ठीक है नेक्स्ट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्राइब हाउ द मेटल प्लेट्स इन फिगर 8.1 कैन बी यूज्ड टू शो दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लग रही है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है डिस्क्राइब हाउ द मेटल प्लेट्स इन फिगर 8.1 कैन बी यूज्ड टू शो दिस ये मेटल प्लेट्स लगी हुई हैं इन मेटल प्लेट्स पर आप टर्मिनल्स के थ्रू वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं अगर आप वोल्टेज सप्लाई ऊपर पॉजिटिव देते हैं नीचे नेगेटिव देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा सर ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है
वो नीचे ऑपोजिट है ना, वो नीचे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, अगर ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड है क्योंकि एनोड ऊपर है और कैथोड नीचे है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये चीज यहाँ पर बता रहा हूँ। सर कल क्लास इसी टाइम पे होगी? सर क्लास हाँ कल 9:30 बजे होगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का सेक्शन ए? जी सर। सही है, किसी ने कुछ पूछना है इसके अलावा तो पूछना? Sorry, Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.